इंग्लिश बोलना बहुत कठिन होता है, मैथ्स सर इंग्लिश नहीं बोल पाते, सर मेरे पास राउंडेड ही नहीं है, सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़कर आई हूँ, मेरे जो सारे सब्जेक्ट्स थे वो हिंदी मीडियम के थे, मेरे घर में कोई इंग्लिश में बात ही नहीं करता है, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, मुझे सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम आती है, मुझे टेंसेस नहीं आते, बस करो, ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। अगर आप रियली इंग्लिश बोलना चाहते हो तो स्टार्ट कर दो आज से प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस कैसे करें, घर में तो कोई बोलता नहीं इंग्लिश में, दोस्त हमारे कम्युनिकेट नहीं करते इंग्लिश में, तो मैं आपको आज बेस्ट टिप्स देने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप अपने इंग्लिश को फ्लुएंट बना सकते हैं और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए भाई, सभी के पास एनवायरनमेंट नहीं होता और सभी के पास अच्छी इंग्लिश मीडियम की स्कूलिंग नहीं होती है, सभी नॉर्मल फैमिली से होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है इंग्लिश बोलना स्टार्ट कैसे करें, घर में कोई बोलता नहीं है, फ्रेंड्स बोलते नहीं है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ ऐसी टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलने के लिए। नंबर वन, स्टार्ट कर दो खुद से ही बातें करना। कोई आपका दूसरा फ्रेंड बने, आप उसके सामने बात करो, आपको 10 बार तो करेक्ट करेगा, 10 बार बताएगा आप ऐसा बोल रहे हो ऐसा बोल रहे हो, आपको होगा एम्बेरसिंग फील, आप नहीं बोल पाओगे इंग्लिश। क्या करना है, आपको खुद से ही बातें करना स्टार्ट कर दो, कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दो, जितना हो सके खुद से ही बातें करो इंग्लिश में। नंबर टू, स्टार्ट कर दो अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना। जितना अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करोगे उतना ही कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। हम सभी क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं अपने दोस्तों के सामने अच्छा इंप्रेशन बने ताकि उनसे हम इंग्लिश में बात करें, लेकिन हम एक गलती भूल जाते हैं कि हम अगर उनसे बात करेंगे तो हमें स्टार्ट कर देंगे वो करेक्ट करना, जिससे हमें बहुत ज्यादा होगी एम्बेरसिंग और डिमोटिवेशन फील होगा। क्या करना है, आपको अपनी वॉइस को सिंपली रिकॉर्ड करो, जितना रिकॉर्ड कर सकते अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, फिर उसे सुनो, ट्राई करो 30 सेकंड्स बोलने का, 50 सेकंड्स बोलने का, 60 सेकंड्स बोलने का, फिर अपनी ही वॉइस को सुनो, ट्रस्ट में बहुत ज्यादा इंप्रूव करोगे। नंबर थ्री, ट्राई करो जो भी आपके सामने डेली इंसिडेंट्स होते हैं उन्हें आप इंग्लिश में ही ट्राई करो बोलने का। जैसे कि आप वॉशरूम जा रहे हो तो ट्राई करो बोलने का आई एम गोइंग टू द वॉशरूम, आई गो टू द वॉशरूम, आई एम गोइंग टू द वॉशरूम। गलत बोलो सही बोलो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप ट्राई करो खुद से ही बोलो। जो भी आपके सामने इंसिडेंट्स हो रहे हैं सारे इंसिडेंट्स को इंग्लिश में ही बोलने का ट्राई करो, फ्रेंकली स्पीकिंग आपको चेंज दिखेगा अपने इंग्लिश स्पीकिंग। नंबर फोर, करना क्या आपको, जब भी आप सोने जाते हो सोने से पहले ट्राई करो जो भी आपने दिन में किया है उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और इंग्लिश में बोलने का ट्राई करो। मुझे पता है आप स्टार्टिंग के दिनों में गलत इंग्लिश बोलोगे, खुद से बातें करोगे, कोई करेक्ट करने वाला नहीं होगा और गलत बोलोगे, लेकिन गलत बोलोगे तभी वो फ्लुएंसी आएगी, उसके बाद आपको मालूम पड़ता रहेगा कि मैं यहाँ गलत बोल रहा हूँ यहाँ से बोल रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द वॉशरूम या आई गो टू द वॉशरूम क्या करेक्ट है आपको खुद ही मालूम पड़ता रहेगा। लेकिन करना कि आपको ट्राई करो कि आप खुद से ही बातें करो, खुद से ही कम्युनिकेट करो, कहाँ गलत हो कहाँ सही हो आपको खुद ही मालूम पड़ता रहेगा टाइम टू टाइम पर, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेंगे, एक लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए ये नहीं कि आपने 2 मंथ्स में बोलना स्टार्ट करा 3 मंथ्स में आप परफेक्ट हो गए, ऐसा नहीं होता है, एक लैंग्वेज है, टाइम लगता है, लैंग्वेज में जितना बोलोगे जितना कम्युनिकेट करोगे उतना ही आप सीखोगे। ट्रस्ट मी गाइस, ये मैंने आपके सामने जो 4 टिप्स को शेयर किया है ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगी अगर आपने आज से इन टिप्स को इंप्लीमेंट करना अपने लाइफ में स्टार्ट कर दिया, एंड आई एम डैम श्योर यू विल स्पीक वेरी कॉन्फिडेंट इंग्लिश वन डे, बट पेशेंस रखना पड़ेंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि आपने आज बोलना स्टार्ट किया कल में आप फ्लुएंट हो जाओगे, नहीं, आपको पेशेंस रखना पड़ेंगे। एंड गाइस, ये ऑल अबाउट टुडेस वीडियो, अगर आपको चाहते हो कि ऐसी और मैं वीडियोस बनाऊं सो प्लीज डू योर कमेंट्स एंड डू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल पे अगर आप न्यू जुड़े। दिस इज इंग्लिश विद अरुण, सी यू नेक्स्ट वीडियो।